Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि जब भी बच्चे को डाइट शुरू की जाती है, यानी कि बच्चे को खिलाना शुरू किया जाता है, तो उस टाइम बच्चे को कौन सी चीज खिलानी चाहिए। तो उसमें आता है आलमंड। मैंने ये आलमंड को पील कर लिया है। पहले इसे भिगो दिया था, फिर पील कर दिया इसको। अभी आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसके बाद ऐसे पत्थर की किसी भी चीज पर इसे घिसिए, क्योंकि जब हम ऐसे किसी और चीज में मैश करेंगे तो वो अच्छे से पेस्ट नहीं बन पाएगा। और ये जो वो मंदिरों में होता है ना चंदन पीसने वाला, वो मैंने लिया हुआ है, तो इस पे बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है एक। और जो 5-6 महीने का बच्चा है उसे आप आधा आलमंड ऐसे पेस्ट बना के दीजिए, और जब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा थोड़ी उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। तो इसमें इस तरीके से आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ऐसे घिसेंगे तो ये कैसा सुंदर सा बहुत महीन पेस्ट तैयार हो जाता है। ये जो पेस्ट है ये आपको अपने बच्चे को खिलाना है, क्योंकि आलमंड जो होते हैं इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो बच्चे की बॉडी के लिए, उसके माइंड की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब बच्चा वैसे टीथ नहीं है तो वैसे तो खा नहीं सकता, अच्छे से चबा नहीं सकता, तो ये जो इतना बारीक पाउडर तैयार हुआ है ये आप बच्चे को खिलाएं, ये उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। जब वो मॉर्निंग में उठता है तो बच्चे को हमेशा ही ये देना चाहिए, उसके बाद ही आपने फीड शुरू करनी है उसको देनी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी टिप्स मिल सकें।